गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जो संत इसको तत्व मूल सहित जानता है, यानी जड़ से लेकर पत्तों तक शाखाओं तक भिन्न भिन्न बताता है, सवेदवित। ये देखिएगा अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर 1, ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वथम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणाणी ये तम वेद। ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, अविनाशी पीपल का वृक्ष कहा जाता है, छंदासी यस्य प्रणाणी इसके पत्ते आदि इसके विभाग हैं, और तम वेद ये माने जो, तम माने इस अंधकार अज्ञान में छुपे हुए को जानता है, स वेदवित वह तत्वदर्शी संत है। इन्हीं के शब्दों में, अनुवादकर्ताओं के शब्दों में, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले अधे साखम, अधे नहीं, ये अधे का अर्थ इन्होंने अधे, ये अधे साखम, इन्होंने ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले अनुवाद किया, ये गलत किया। अधे कारथिनी के द्वारा इस दूसरे मंत्र में हमने हींग लगीना फटकड़ी इन्हीं के शब्द इन्हीं के साथ ले लिए। अधे माने नीचे, अधे माने नीचे, अधे माने नीचे, स्वयं अनुवाद कर रहे हैं, अधे माने नीचे अर्थ कर रहे हैं। यहाँ ले लें हम अधे माने नीचे शाखम शाखा, ये सही है। नीचे शाखा वाला संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, छंदासी माने वेद लिखा, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो व्यक्ति मूल सहित यानी जड़ से लेकर सारे अंगों को जानता है, तत्व से जानता है, स वेदवित वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। वह स वेदवित ये तम वेद, स वेदवित जो इसके सब अंगों को मूल सहित जड़ से लेकर सारे जानता है, वो तत्वदर्शी संत है। आगे पहचान, तो कौन थे वो तत्वदर्शी संत? हाय हाय, आप आरती आप साजे आप किंगर आप बाजे आप ताल झां जनकारा आप नचे आप देखण हारा, कहे कबीर ऐसी आरती गाऊं आप मध्य आप समाऊं। परमात्मा कहते हैं आप आरती आप साजे आप आवे आप दास बने, आप ही भगवान तो है ही है, और एक तत्वदर्शी संत की भूमिका यथार्थ ज्ञान देने के लिए भी स्वयं ही आते हैं, यानी आप पे सारा काम करते हैं, प्रभु दास बनते हैं, एक गरीब से गरीब व्यक्ति की भूमिका करते हैं, हाथ से कपड़ा बुनकर निर्वाह करके एक भूमिका करते हैं, हमारे लिए एक उदाहरण छोड़ते हैं। कहीं ये ना सोचो कि बड़े बड़े सेठ और पैसे वाले उच्च जाति वाले ही पार हुआ करते हैं, नहीं, परमात्मा के घर पर कोई जात और मजहब धर्म नहीं है, उसको तो अपना लाल देखना, अपनी आत्मा देखनी है, जिसके अंदर सारे गुण हो और हमारी मर्यादा में रहे, परमात्मा की भक्ति करे, वो बेड़ा पार कराएगा। परमात्मा कहते हैं ऊंचे कुल में भक्ति ना होए, जैसे ब्राह्मण उच्च कुल था और सारे फेल अहंकारी अभिमानी, एक तो एक दूसरे विचार संस्कृत के समझ जी के जो टैंक डाले बढ़े जाते, शास्त्र करे जाते, एंड मेंड बोले जाते, श्रोतान पढ़ते, किसी को पता नहीं ये के बन रहे हैं। जिसने घनी संस्कृत बोल दी वो विजेता कर दिया, अशिक्षितों ने जो संस्कृत समझते भी नहीं थे उन्हें ताड़ी पीट दी और एक ब्राह्मण विजयी हो गया, उन दो ब्राह्मणों में थे, तो ऐसे चलते थे। तो वह उसमें परमात्मा जो है तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए भी स्वयं आते थे। आप आरती आप साजे आप किंगर आप बाजे आप ताल झां जनकारा आप नचाप देखनारा,
तो जो इस परमात्मा के उस तत्वदर्शी संत की भूमिका करने परमात्मा स्वयं ही आते थे और उन्होंने आकर के हमें क्या बताया कि अक्सर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा हैं ये पात्र रूप संसार। अब उसके नारे नारे विभाग कैसे बताए परमात्मा ने कि तना तो उसका अक्सर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई देता है। यहाँ देखिएगा ये जैसे ये पेड़ है ये पूरा पेड़ है। अब इतना लीजिए इसको जो जमीन से बाहर नजर आता है ये एक पेड़ है अक्सर पुरुष एक पेड़ है और ज्योति निरंजन ये सर पुरुष उसकी डार या मोटी डार उसमें तीन शाखाएं हैं और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। कबीर साहब की उस सचिदानंद घन की वाणी पढ़िए कबीर अक्सर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वा की डार ये पेड़ है ये डार तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार ये तीनों देवा शाखा है और ये पात रूप संसार। हम तो यहाँ हैं देखो ये भी तीनों भगवान हैं लेकिन हम और आगे हैं हम तो यहाँ पात रूप संसार। अब इस संसार रूपी वृक्ष को आहार कहाँ से मिलता है इस जड़ रूपी मूल परमात्मा से। गीता जी में लिखा है कि आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले यानी इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ वो तो पूर्ण परमात्मा है परम अक्षर ब्रह्म है परम अक्षर ब्रह्म है। अब इसके दूसरे शब्दों में हम ये देखिएगा आह ये बैठे भगवान है पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब परम अक्षर ब्रह्म ये है पूर्ण परमात्मा और ये है अक्षर पुरुष तना इसको परब्रह्म भी कहते हैं अक्षर पुरुष भी कहते हैं अक्षर ब्रह्म भी बोल सकते हैं कहते हैं और इस ये ब्रह्म कहो सर पुरुष कहो सर ब्रह्म को सर पुरुष कहो सर ब्रह्म कहो अक्षर पुरुष एक पेड़ है ये ज्योति निरंजन ये सर पुरुष ब्रह्म ये ज्योति निरंजन ये डाल है काल पुरुष काल ब्रह्म और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा जी सतगुण विष्णु जी तमगुण शिव जी तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। अब आगे देखते हैं गीता ज्ञानदाता ने केवल एक तो बताया है कि ऊपर ने जड़ वाला नीचे ने तीनों गुण रूपी शाखा वाला बस तीनों गुण अवश्य बोल दिया। ये अगले इस मंत्र में देखो ये अभी आपने पढ़ लिया वेद के तात्पर्य जानने वाला ये पहला मंत्र 15वें अध्याय का अध्याय नंबर 15 का और ये दूसरे में कहा है उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल से बड़ी हुई विषय भोग रूप कोपलों वाली देव मनुष्य आदि तिर्यक और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं ये सीधा सा अर्थ है। इन्हें तो जानते मतलब था कि मैं ज्ञान तो था नहीं इसके बारे में ये उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप बस ये बड़ी बूढ़ी नहीं तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी रूपी ये विषय पर वाला शाखा विषय विकारों की तीनों गुण रूप विषय विकारों की शाखा नीचे और ऊपर सर्वत्र नहीं आना चाहिए इसमें इन्होंने सर्वत्र लिखा फैली हुई है मनुष्य लोक में इस मनुष्य लोक में यानी पृथ्वी लोक पर कर्मों के अनुसार बांधने वाली भी ये मूलानी यानी मुख्य कारण है ये जड़ हैं ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों गुण हमें यहाँ फंसाए रखने में बांधे रखने की मुख्य कारण है और नीचे और ऊपर सभी लोकों में नहीं अनुसंततानी ये व्याप्त हो रही है। अब जैसे पुण्यात्मा एक ब्रह्मांड में की स्थिति से जब आप परिचित हो जाओगे तब पता लगेगा ये एक ब्रह्मांड है एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है ये एक ब्रह्मांड है तो इसमें ये पृथ्वी लोक है ये पृथ्वी लोक है यहां पर ये ज्ञान बोला जा रहा था
और ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीन लोकों पर आधिपत्य, इनका आधिपत्य है, एक तो पृथ्वी लोक पर, ऊपर स्वर्ग लोक में, स्वर्ग और नरक ये अलग से है स्वर्ग, और नीचे ये पाताल लोक, इस पाताल लोक पर, पृथ्वी लोक पर और इस स्वर्ग लोक, इन तीन लोकों पर इनका रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी का एक एक विभाग के मंत्री हैं तीन लोकों के ऊपर। तो यहाँ बोला जा रहा है तो ऊर्ध्व माने ऊपर ये स्वर्ग में, अधः माने नीचे ये पाताल तक, ये तीनों गुणों का प्रसार है यहाँ तक ये फैली हुई है, और इस पृथ्वी लोक में यानी यहाँ फंसाए रखने की भी ये मूल है, मुख्य कारण है ब्रह्मा विष्णु महेश रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी। ये कर्म अनुसार हमें यहाँ बांध कर रखते हैं, अपने कर्म अनुसार ये हमें फल देते हैं। अब समस्या आती है कि रजगुण ब्रह्मा है सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये कहाँ लिखा है? अब ये लिखा होना, ये का पढ़ना अति आवश्यक है, नहीं तो यह सारी बात बिगड़ जाएगी। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित, ये कहाँ से प्रकाशित है? अथ श्रीमद् श्री अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम सहमात्यम खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई 4। यहाँ भी लिखा है इनका बहुत कुछ है, कहाँ से छपी है? मुद्रक के प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर वेंकटेश्वर प्रेस खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई इतने में, ऐसे इसी सारा कुछ लिखा। इसके तीसरे स्कंद में हम चलते हैं, ये है तीसरा स्कंद। अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभ ते, ये प्रारंभ होता है यहाँ से। इसके 11वें पृष्ठ पे अध्याय नंबर 5 में 11वां पृष्ठ तृतीय स्कंद, ये तृतीय स्कंद का अध्याय 5, इसके 8वें मंत्र में हिंदी और संस्कृत दोनों देखेंगे आप, क्योंकि हम शिक्षित हैं, देवनागरी लिपि हमें आसानी से पढ़ने को आती है, और इन हिंदी और संस्कृत की देवनागरी ही लिपि है। हे माता, भगवान शंकर बोल रहे हैं, हे माता यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको यानी मुझे तमोगुण में किस प्रकार प्रधान किया है, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण। फिर पढ़िए, भगवान शंकर कहते हैं हे माता यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हैं, यह दुर्गा भी ब्रह्मा विष्णु महेश भी दुखी हैं कि हम किसा जुल्म करें, इन प्राणियों को यहाँ घेरे बैठे हैं, तो कहते हैं आप अगर दयालु हो तो इसे कुकर्म में हम क्यों लगा रखे हैं। हे माता यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, मुझे ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण क्यों युक्त क्यों किए। अब फिर संस्कृत पढ़े, हम संस्कृत भी पढ़ेंगे, 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहिता चाहे, किस प्रकार मुझे बना दिया प्रधान प्रदुनी, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, कथम अहम विहिता चाहे तमोगुण, कमल जय कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव क्यों, रजोगुण क्यों बनाया, और सुहित सुविहित है कि मुँह सतोगुण हरि विष्णु को आपने सतगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा है सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। और शंकर भगवान के कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप दयालु हो और हमें बहुत प्यारा भी समझती हो तो इसे कुकर्म में हमें क्यों लगा रखा है कि ब्रह्मा जी के रजगुण तथा जीव जंतु ये उत्पत्ति करें, और श्री विष्णु जी की इस सतोगुण से ये यहाँ फंसे रहते, एक दूसरे में जकड़े रहते, ममता में इनके बस की बात नहीं, रस्से बांध दिए और मैं इनको मार रहा हूँ, मेरे स्तमोगुण में मुझे इतने क्रोध हो जाता है, मैं सब ने ख़त्म कर डालता हूँ तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता। तो इसे यदि आप दयालु हो तो ऐसा कुकर्म हमसे क्यों करवा रहे हो। भगवान शंकर भी दुखी होकर पूछ रहे हैं, लेकिन दुर्गा इस काल के डर से
इनको सच्चाई बता नहीं पा रही, नहीं बताती। इति सिद्धम के रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करते हैं पुणात्माओं। ये एक बार इन काल के दूतों के, इन अज्ञानियों का ये अज्ञान ढह गया ना, ये किला टूट गया, फिर तो परमात्मा की वाणी सुना करेंगे आपको। ये इतने प्रमाण देने की जरूरत, अब तो भगवान को, परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करने के लिए इतने एफिडेविट आपके कोर्ट में आपके सामने पेश करने पड़ रहे दास को, ताकि परमात्मा के बच्चे अपने मालिक को पहचान लें और पीछा छुड़वा लें इस गंदे लोग से। असंग जन्म या धक्के खात्या हो गए, कोटि जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बगारे, कोटि जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा, और भिक्षकों का दर दर घूम लिया, पाया ना निर्गुण रासा। ये ज्ञान नहीं मिला तुझे अभी तक, इसलिए यहाँ भटक रहे हो, जन्म मृत्यु के चक्कर में आप पड़े हुए हो। श्रीमद देवी भागवत फिर देखिएगा, यानी देवी पुराण, दुर्गा पुराण, गीता प्रेस के रूप से प्रकाशित है। श्रीमद देवी भागवत, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके तीसरे सकंद में 123 पृष्ठ पे यह है तीसरा सकंद, और 123 पृष्ठ पे भगवान विष्णु कह रहे हैं दुर्गा को, अपनी माता की महिमा स्तुति गा रहे हैं उनके सामने खड़े होकर, दुर्गा के सामने खड़े होकर। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्हीं से उद्वासित हो रहा है, मैं विष्णु, मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव मन जन्म, त्रोभाव मन मृत्यु होता हुआ करता है। भगवान विष्णु जी कह रहे हैं कि हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो, सिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। नीचे देखो, इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, यानी विष्णु ब्रह्मा मैं, हम यानी ब्रह्मा विष्णु और शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी, तीनों गुण ये से दोगे। अब आसानी तो समझ में आओगी पवित्र श्री मद भगवत गीता। अब इसमें आपने एक और देखा कि प्रकृति दुर्गा को बोलते हैं, प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। यहाँ देखो श्रीमद भगवत गीता, अभी आपको देवी भागवत सुनाई थी, दुर्गा पुराण देखा था, सिर्फ ये प्रमाण करने के लिए रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये श्रीमद भगवत गीता जी को आप देखिए 15वें अध्याय का। अब दूसरा मंत्र, पहला आप पढ़ चुके हो, दूसरा ये है, उस संसार वर्ष की तीनों गुण रूप। अब तीनों गुण यहां देखना, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखा हैं। ये अपने सदग्रंथ भी बता रहे हैं, गीता जी बोल रही है। विषय पर वाला शाखा नीचे और ऊपर फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार, नियमानुसार यानी कर्मानुसार बांधने वाली मुख्य कारण है, यानी कर्मों के का ही कर्मफल हमें देते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये हमें कर्म आधार पर यही नेक्स्ट जन्मों में डालते रहते हैं, ये हमें यहाँ रखते हैं। और ये तीनों लोकों में ऊपर नीचे सभी में नहीं,
ऊपर नीचे व्यापत है। अब देखो तीसरे में, इस संसार वृक्ष का, देखो ध्यान से पढ़ना इसको, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है, वैसा यहां विचार काल में नहीं पाया जाता। यानी गीता ज्ञान दाता क्या कह रहा है कि जैसा कि इस संसार रूपी वृक्ष के विषय में जानकारी कहते हैं कि यह अविनाशी है, ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूप शाखा है, इसको इस चर्चा में तेरे और मेरे डिस्कशन में, यानी गीता जी के ज्ञान में, इस विचार काल में इसका कोई आदि अंत मुझे पता नहीं, पूरा ज्ञान मैं नहीं जानता इसका कितना, यहाँ वैसा नहीं मैं बता पाऊंगा। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता सृष्टि रचना से अपरिचित है। ये देखिए इस संसार वृक्ष का 15वें का 3 अध्याय गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक 3, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में, यानी तेरे मेरे डिस्कशन में मैं जो ज्ञान बता रहा हूँ नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार स्थिति, यानी मुझे इसका पता नहीं है, इसे सिद्ध है। और इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, यानी संसार रूपी वृक्ष के जो, यानी मूल जो जड़ है वो सुविरुद्ध यानी मजबूत, अति दृढ़ मूल यानी कभी नाश न होने वाला, वो ऊपर के 4 लोक, 7 लोक, लखलोक, अगमलोक, अनामी लोक यानी अक्कै लोक, वो सुविरुद्ध हैं यानी बहुत दृढ़ हैं, मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ असंग शस्त्रेन, यहाँ लिखना था उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर इस उलझी हुई गुत्थी को समझ कर, ये इन्होंने उलट सुलट कर दिया, तत्व ज्ञान का विषय चल रहा है, काट कर अब चौथे श्लोक में इसका स्पष्ट किया है, उसके पश्चात यानी तत्व ज्ञान तत्वदर्शी संत से समझ कर उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यासन करना चाहिए। अब इसमें क्या बताया है कि जब आपको तत्वदर्शी संत मिल जावे उसके पश्चात इस अज्ञान रूपी अंधकार को, ये इतना बड़ा जो है ना जबरदस्त जो है ना बन गया है ये पेड़ अज्ञान का, इसको तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट के उसको समझ के तत्वदर्शी संत से सारा ज्ञान प्राप्त करके उसके बाद उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक कभी लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, संसार रूपी वृक्ष की को जिसने बनाया है, उसी वही एक पूजा के योग्य है, उसकी भक्ति करनी चाहिए। यहाँ गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण हूं। अपुणात्माओं, अब यहां एक समस्या और आवेगी, आप सुन रहे हो, श्रद्धालु हो, लेकिन जिनका सिर घुमा रखा है अज्ञानी संतों ऋषियों ने, वो ये कहेंगे कि ये 3 भगवान कहाँ हैं, अक्षर पुरुष, अक्षर पुरुष परम अक्षर ब्रह्म, ये कहाँ हैं, कहीं हमने देखा ना सुना। अब इन तीनों का भी आपको विस्तृत वर्णन दिया जाएगा। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जिस समय तू मेरी इन बातों पर विश्वास कर लेगा, तत्वदर्शी संत की तू खोज कर लेगा, उसके पश्चात पूरे अध्यात्म ज्ञान को समझ कर
और पूरे सभी कर्मों से परिचित होने के उपरांत केवल साधक जरा और मरण से, जरा माने वृद्धावस्था बुढ़ापे तक, और मृत्यु से बचने का ही प्रयत्न करता है। यहाँ संसार की किसी भी वस्तु की इच्छा भगवान से नहीं करता। उस तत्व ज्ञान की रोशनी में उसको पता चल जाता है कि कोट जन्म तन भ्रमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे, कोटि जन्म तूरा जाके न मिटी न मन की आशा, भिक्षक होकर दर दर घूम लिया मिला न निर्गुंडासा। इंद्र कुबेर इसकी पदवी ब्रह्मावरण धर्मराया, और विष्णुनाथ के लोक को जाकर फिर भी जन्म मरण में आया, उल्टा आया। फिर आगे क्या बताते हैं कि असंग जन्म तन मृत्या हो गए, जीवित क्यों नाम रह रे, और द्वादश मद महल मठ बोरे बहुर ना देत रह रे। फिर क्या बताते हैं, दोजक भी सभी तय देखे, तोजक कहते नरक, और बेस्ट स्वर्ग में गए। पाप कर्मों के आधार से आप नरक में गए और पुण्यों के आधार से स्वर्ग गए, क्योंकि जब तक परम संत नहीं मिलते, पूर्ण परमात्मा की साधना नहीं मिलती, तब तक ये प्राणी अपने किए कर्म को ही भोगता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। पाप नरक में, पाप भी भोगने पड़ते हैं और पुण्य भी। जब पूर्ण परमात्मा की शरण हमें मिल जाती है, सद्भक्ति मिलती है, तो पापों का नाश कर देता भगवान, पुण्य शेष रह जाते हैं। तो यहाँ क्या बताते हैं कि तू सद्भक्ति ना करके दोजक भीष्ट सभी तें देखे, राजपाट के रसिया, राजपाट के लालच में ब्रह्म में टिकरुआ ली तने, और तीन लोक से तरपत ना ही ये मन भोगी खसिया, इस मन को यदि तीन लोक भी दे दे तो भी इसकी संतुष्टि नहीं है। कोई छोटा सा सरपंच बन जाता है तो चेयरमैन की चाह करता है, अगले योजना में चेयरमैन बन जाता है तो MLA की टांग ठावे है, MLA बनूं, MLA बन जाता है तकड़मबाजी सोचे मंत्री बन जाऊं, मंत्री बनने के बाद सोचे है मुख्यमंत्री का दाव लगे, मुख्यमंत्री बनते ही सोचता है शायद प्रधानमंत्री का दाव लग जाए तो बहुत ही अच्छा है, इतने इसकी टिकट कट ले, और अपने पिछले पुनों को भोग कर गधे की योनि में पहुंच जाता है जो सतभक्ति नहीं करता। तो परमात्मा कहते हैं इसने तीन लोक भी दे दिए, इस मन का पेटा नहीं भराए, ये संतुष्ट नहीं है। तीन लोक से तृपत ना ही ये मन भोगी खसिया, दो जग सभी तें भीष्ट सभी तें देखे राजपाट के रसिया, और तीन लोक से तृपत ना ही ये मन भोगी खसिया। अब क्या क्या समाधान बताया कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थाना। परम संत मिले तो यहां के सब दिखा देगा दर्पण की तरह के, देखो ये क्या कैसा लोक है, यहाँ क्या दुर्गति है आप लोगों की। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थाना, यानी वो कभी नष्ट नहीं होता, जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आना पड़ता। चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से मिले राम अविनाशी। जैसे यहां साधना करते हैं ब्रह्म तक की तो चार मुक्तियां प्राप्त करते हैं, और इन चार मुक्ति प्राप्त प्राणी भी ब्रह्म लोक में अपने पुण्य को अक्षीण करके समाप्त करके फिर 84 लाख योनियों में फिर आता है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्म लोक तक भी सभी पुनर्वृत्ति में है, इन्हें भी जन्मते और मरते हैं, इनकी भी ऐसे ही हरहट के कुएं में ये भी पड़े होते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि चार मुक्ति वहाँ चंपी करती, वह कभी समाप्त नहीं होती सतलोक के अंदर जहाँ आप चले जाओगे, और माया हो रही दासी, दास गरीब अभय पद पर से मिले राम विनाशी। तो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में 29 में गीता ज्ञान दाता बता रहा है कि तू मेरी बातों को मान लेगा, मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लेगा, और तत्वदर्शी संत से संपर्क करने के बाद फिर तेरी बुद्धि खुल जाएगी। ये देखो गीता जी अध्याय नंबर 7 का मंत्र 29 29। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतंती ये
ते ब्रह्म तत्विदु, ब्रह्म तत् कहो चाहे तत् ब्रह्म कहो, ये ध्यान रखना, ब्रह्म तत् कहो चाहे तत् ब्रह्म कहो, विदु कृष्णमन कृष्णम यानी संपूर्ण अध्यात्म, सारे अध्यात्म ज्ञान को, कर्म च अखिलम और अखिल माने सारे, संपूर्ण कर्मों से वो परिचित होते हैं होकर, देखो जो उस तत्ब्रह्म को परिचित को जान लेते हैं और इन सब कर्मों से जो परिचित हो जाते हैं वो जरा मरण मोक्ष से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं। मेरे जो मेरे शरण होकर, मेरे का अर्थ है मैं जो ज्ञान कह रहा हूँ इस बात पर विश्वास करके अमल कर ले तो जरा मरण, जरा और मृत्यु से छूटने के लिए यत्न करते हैं, तो जो ऐसा यत्न करते हैं जरा मरण, जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु, तो वे तत् ब्रह्म उस ब्रह्म को, तत्ब्रह्म उस ब्रह्म को, ये ध्यान रखना तत्ब्रह्म, अभी तुरंत ही सामने आएगा तत्ब्रह्म कौन है, और संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। जो यहाँ से छूटने का प्रयत्न करते हैं, जरा मरण मोक्ष ही का प्रयत्न करते हैं, वो उस ब्रह्म को जान लेते हैं तत्ब्रह्म को, और सारे अध्यात्म को और सब कर्मों से परिचित हो जाते हैं। अर्जुन ने आठ में, ये 29 ये था, ये 30 में अंत है, और अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ के बारे में इसमें जानकारी दी है। तो अर्जुन ने यहाँ पूछा आठवें के प्रथम मंत्र में, अर्जुन ने कहा किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है जिसके बारे में आप कह रहे, उसको जानने के बाद फिर जन्म मृत्यु से छूटने की चेष्टा ही करता है बुढ़ापे से और मृत्यु से, और किम अध्यात्म और किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेव किम उच्यते, इसका उत्तर दिया है जिन्होंने पूछा है कि वह ब्रह्म क्या है, इसका उत्तर गीता ज्ञानदाता ने तीसरे मंत्र में दिया आठवें अध्याय के में, वह परम अक्षर ब्रह्म है, इसको परम अक्षर पुरुष भी कह सकते हैं, पुरुष माने प्रभु होता है, ब्रह्म होता है, परम अक्षर ब्रह्म है। अब आगे देखो, अपने आत्माओं ये तो ये समझ लो देसी घी, और आपको दो तीन बार गर्म करके शुद्ध करके पिला जा रहा है घूट इस अमर ज्ञान की, कि सपने में बिना सुंदरी, हम तो जो है ना कूड़ा करकट खा खुआ करते हैं, हमारे सिर था ना पैर था उस ज्ञान का, गीता जी का सार बताया करते, अर्जुन तेरा क्या जाता है, तू आत्मा है ना, तू के लाया था, तू के लेकर जाएगा, ये सार था। अब सार का तो अब पता चलेगा पवित्र ग्रंथ हमें क्या संदेश दे रहे थे। अब इसमें क्या बता रहे हैं, अब गीता ज्ञानदाता कहता वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब ये दो रोल शुरू हो गए यहां पर आठवें अध्याय में, आठवें अध्याय के पांच और सात में गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कह रहा है कि तू मेरी भक्ति कर और मुझे ही प्राप्त होगा। आठवें अध्याय के छठे में ये कहा है कि ये नियम है अर्जुन, अंत समय में भी, यानी जो जिसकी भाव में भावित रहता है, यानी जिसकी भक्ति करता हुआ रहता है, अंत समय में उसी के पास पहुंच जाता है। आठवें अध्याय के 8, 9, 10 तीन मंत्रों में उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने वाले को के विषय बताया कि उस परम अक्षर ब्रह्म की जो साधना करता है वो उसको प्राप्त होता है भक्ति की शक्ति से। आठवें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता मेरा तो एक ओम मंत्र है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मानु माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम, मेरा तो एक ओम मंत्र, एक अक्षर ओम है। अब देखिएगा आठवें अध्याय का आठवां अध्याय देखिएगा, ये आठवें अध्याय का ये पांचवा मंत्र है, जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है
वह मेरे साक्षात स्वरूप को, ये मद भावम का अर्थ है मेरे वाले भाव में भावित रहता है, मद भावम मेरे वाले भाव को प्राप्त होता है, यानी मुझे मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं। छठे में क्या कहा है, कुंती है कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को समन करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी तद भाव भावती उस भाव से भावित रहता है। यहां भी देखिएगा, इसे लिखा है मत भावम, मेरे वाले भाव में करना चाहिए था इसने, मत भावम मेरे वाले भाव में भाव को प्राप्त होता है। यहां भी भावना साक्षात रूप नहीं, फिर भी यह संकेत यह है कि वो मेरी साधना करता मुझे प्राप्त होता है। यह नियम है, छठे में कहा है कि कुंती पुत्र ये नियम है कि अंत काल में जो जिस भी भाव को समन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, शरीर का त्याग कर जाता है, उसी को प्राप्त होता है। आगे देखो सातवें में कहा है कि तू इसलिए अर्जुन सब समय में मेरा समरण कर और युद्ध भी कर, इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। तेरहवें श्लोक में अपनी साधना का मंत्र बताता, आठवें जाए तेरहवें श्लोक में ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। इसका क्या अर्थ है, यहाँ से शुरू होता है, जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता शरीर को त्याग कर जाता है वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब इसका क्या अर्थ है, वैसे आप बुद्धिमान हो, देखो खुद देखेंगे, अर्थ करके देखेंगे, इतने तनाडियां अड़ंगा करण का ठेका ले रखा था। ओम इति एकाक्षरम, ओम यह एक अक्षर मंत्र है, केवल यह एक ओम अक्षर ब्रह्म माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का अनुसमरण, ये मेरे मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, एक अक्षर ओम मंत्र है, और इसको उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये प्रयाति तदन देहम जो देह छोड़कर शरीर छोड़कर जाता है स प्रयाति परमाम गति, वो मेरे वाली गति को प्राप्त होता है। और अपनी गति को सातवें अध्याय के अठारहवें श्लोक में स्वयं ही अनुतमाम अश्रेष्ठ बता रहा है गीता ज्ञानदाता। ये देखिएगा अध्याय नंबर सात का श्लोक नंबर 18, यहाँ पर चार प्रकार के उपासक बताए हैं जो ब्रह्म तक की साधना करते हैं। ये सोलहवें में सातवें के सोलहवें में चार प्रकार के हैं, सुकृतिन में अर्थार्थी अर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी। तो कहते हैं ये तीन प्रकार के तो फेल कर दिए, लेकिन ज्ञानी उनमें से ज्ञानी है ना वो मुझे बहुत पसंद है, वो बहुत मुझे अच्छा लगता है, उसको मैं अच्छा लगता हूँ। तो यह अठारहवें श्लोक में कहता है कि उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मते, मेरे मतलब मेरे मत के अनुसार मेरे विचार में ये सभी ज्ञानी आत्मा हैं तो नेक, ये शीश देने को तैयार हैं परमात्मा के लिए, भक्ति के लिए सारा जीवन गाल देते हैं, पर आस्तित ही स ही युक्त आत्मा माम एव अनुतमाम गतिम, ये अच्छी आत्मा ये परमात्मा में लीन आत्माएं मेरे वाली अनुतमाम यानी घटिया गति में, मेरी साधना की घटिया गति में यानी मेरी साधना में आस्थित हैं आश्रित हैं, ये सभी उद्धार हैं। इनका अनुवाद देखिए, ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है,
लिखा है, यहाँ लिखा है उद्दारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा। ये सभी ज्ञानी आत्मा तो हैं, तो उद्दार नेक हैं मेरे विचार में। आस्तित से ही युक्त आत्मा, ये सभी भगवान की भक्ति करने वाले भगवान की में लीन आत्माएं मेरे वाली अमाम एवं अनुत्माम गतिम आश्रित हैं। आस्तित माने आश्रित हैं, आस्तित है अच्छी प्रकार से स्थित मेरे वाले में स्थित हैं। अनुत्माम माने अति घटिया, अति उत्तम लिख दिया, अनुत्तम का अर्थ है तरह के भैया पहली वाला दूसरी का बच्चा बता दिया, अनुत्तम माने घटिया व्यर्थ यूजलेस बैड, इन्होंने बैड का अर्थ गुड कर रखा है तरह के। तो अब यहां क्या चल रहा है कि देखिए, गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी साधना करने के लिए तो ओ मंत्र है, इसकी जो साधना अंतिम सांस तक करता रहता है उच्चारण करके तो मेरे वाली गति को प्राप्त होता है। अपनी गति को यो व्यर्थ बता ही रहा है, अनुतम है। अब 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में उस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में साधना बताई है, अध्याय नंबर 17 का श्लोक नंबर 23। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। ब्रह्मण माने सचिदानंद घन ब्रह्म का, ब्रह्मण माने सचिदानंद घन ब्रह्म, यानी ब्रह्म से उप अलग जो सचिदानंद घन ब्रह्म पूर्ण परमात्मा है, उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना का तो ओम तत्सत। ओम तो ये ब्रह्म का है, तत् ये परब्रह्म का है अक्षर पुरुष का, और सत ये पूर्ण परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है। इन तीनों मंत्रों के मिल जाने से ही साधक का मोक्ष होगा। इन तीनों मंत्रों का जाप करने से तत्व और सत्य सांकेतिक हैं, ये ओम तत्सत कोई मंत्र नहीं है, ये तो इनका ये मंत्र नहीं। ओम तो क्लियर है, उसने स्पष्ट कर दिया। इस तत्व और सत्य के सांकेतिक शब्दों के विषय में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तत्वदर्शी संत बतावेगा, ऑप्शन छोड़ दी। तो ओम ये तत् और सत्य सांकेतिक है, ये दास बताओगा। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है, यानी उस सचिदानंद घन परमात्मा की भक्ति का तो इस ओम तत् का ही निर्देश है, नथिंग एल्स। निर्देश माने नथिंग एल्स, फाइनल फैसला, यही डायरेक्शन है। अब यहां फिर बताता है देखिए 8वें अध्याय का, अब 8, 9, 10 ये उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के विषय बता रहे हैं। 8वां अध्याय, अब यहाँ 7 तक तो इस गीता ज्ञान दाता ने अपने लिए बताते हैं, इसलिए तू सब समय मेरा श्रवण कर और युद्ध भी कर और मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर तू निसंदेह मुझे प्राप्त होगा। 8वें में क्या कहा है, परमम दिव पुरुषम दिव्यम याति पार्थ, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना, यानी और तरफ यानी अन्य ने मन से किसी और की भक्ति नहीं करे बस। फिर हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के यानी उस पूर्ण परमात्मा परम अक्षर की साधना अब अभ्यास योग युक्तेन, इसका अर्थ है जो नाम आपको दिया जाएगा 3 मंत्र का उसका आपने अभ्यास करना है। दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से यानी फिर और साधना नहीं करे, यानी एकाग्र चित्त से होकर करे, निरंतर चिंतन करता हुआ उस 3 मंत्र के जाप का, परम करता हुआ परम दिव्य पुरुष, परमम दिव्यम पुरुषम, उस परम प्रकाश रूप दिव्य यानी पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। गीता ज्ञान दाता से कोई और है वो परम अक्षर ब्रह्म उसको प्राप्त होता है। फिर आगे देख 9 में यहाँ स्पष्ट लिखा है कव्यम पुराणम अनुशासिताराम अणो अण्यांसम अनुसमरेत यह सर्वस्य धाताराम अचिंत रूपम आदित्य वर्णम सूर्य की तरह तेजोमय सूर्य सदृश तमसे प्रस्तात अज्ञान अंधकार से कोटि दूर। जो कव्यम, यदि यहाँ इस कवियम का मैं विश्लेषण करने लगूँ तो बहुत लंबा चैप्टर बनेगा, इसलिए इन्हीं के अनुवाद से हम अपना काम चलाएंगे। जो सर्वज्ञ, कवियम का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया, यहाँ लिखना था जो कबीर
देव को, जो कबीर देव है, जो कबीर देव अनादि सबके नियंता और सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत रूप आदित्य वर्णम सूर्य के सदृश नित चेतन प्रकाश रूप, यानी साकार परमात्मा का ये भी स्पष्ट प्रमाण है। अविद्या से अति प्रे यानी अज्ञान से दूर, किसी के विज्ञान में नहीं आ रहा, इस अज्ञान में उसका उसकी जानकारी नहीं है, सचिदानंद घन परमेश्वर का श्रवण करता है। दसवें में देखो, वह भक्ति युक्त पुरुष यानी सत भक्ति जिसको मिल गई तीन मंत्र की, अंत काल में भी योग बल से, योग बल माने उस भक्ति के मंत्र की ताकत से, भक्ति की शक्ति से, बरकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके, यानी फिर वो त्रिकुटी में वहां पहुंच जाता, त्रिकुटी में निश्चल मन से उस दिव्य पुरुष परमेश दिव्य श्रवण करता, उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। अब दो तो ये क्लियर हो गए, एक तो ब्रह्म ये गीता बोल रहा है, मेरे मुझ ब्रह्म का तो ओ मंत्र है, और उस परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है वो ओम तत्सत, यो वो तत्वदर्शी संत बताएगा इसको कति खोल के। अब ये दो तो हो गए, ब्रह्म और यानी सरब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। अब बीच में रह गया परम ब्रह्म, परब्रह्म यानी अक्षर ब्रह्म या अक्षर पुरुष। अब ये क्लियर होगा अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में। पुण्यात्माओं, परमात्मा के पाने के लिए हमने देखे, आप भी परिचित हैं कि धुने लगा लगा कर जेठ के महीने में सर्दी गर्मियों में बाहर बैठ जाते हैं, परमात्मा पाने के लिए उन्होंने कोशिश की, कोई खड़ा होकर तपया कि कहीं नींद ना आ जाए खड़ा होकर और मालिक को याद करूं, कोई न किसी ने किसी तरह किसी ने निराहार रह के अल्प आहार रह के, किसी ने गायत्री मंत्र बना रखा था उसके निर्जाप कर करके कोशिश की मालिक के पाने की, खूब प्रयत्न किए तड़फे। अब कितना कठिन प्रयत्न किया, अरब ये परमात्मा का अमृत ज्ञान आपको मिल रहा है और कितनी सुविधा से मिल रहा है। तो पुण्यात्माओं, इसकी एक बूंद भी नीचे मत गिरने देना, इसको कानों के माध्यम से ये इंजेक्शन लग रहे हैं, पूरी सारी दवाई अंदर ही जाने देना, ये शीघ्र लाभ होगा। अब देखो अध्याय नंबर 15 का श्लोक 16-17, ये देखो अध्याय नंबर 15 का श्लोक 16 देखें पहले, ये 16 नंबर, इसमें है द्वौ इमौ पुरुषौ लोके। द्वौ माने दो, इमौ माने इस, पुरुषौ इमौ माने इस, लोके माने संसार में। अब ये एक लोक कहा जाता है जो मिट्टी तत्व से बना है, पृथ्वी तत्व से, ब्रह्म और परम अक्षर सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष का, इस सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष का एक ही जैसा लोक है। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके, इस पृथ्वी वाले लोक में दो प्रकार के भगवान हैं, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष। पुरुषो माने प्रभु, अक्षर ब्रह्म, अक्षर पुरुष सर्वपुरुष अक्षर पुरुष, और सर सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते, सभी प्राणियों के शरीर इन दोनों के भगवानों के लोक में नाशवान है, सतुल शरीर, तो आत्मा सभी की अमर है, कुत्ते गधे सुअर की भी अमर ही है। अब यहाँ क्या कहते हैं, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी, इन्हीं के अनुवाद को देखिए, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी, ये दो प्रकार के, जहाँ इनको ज्ञान नहीं था उन्होंने अड़ंगा कर दिया, अड़ भगवान ना लिखा, दो प्रकार के ब्रह्म हैं, दो प्रकार के भगवान हैं, और संपूर्ण प्राणियों के शरीर, भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, जीवात्मा अविनाशी है। ये सर्वपुरुष, इस पुरुष को, दिवौ पुरुषों को हम इसके साथ लगा सकते हैं, दो प्रकार के सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष। तो यहाँ ये दो प्रकार के हैं, यानी सर्वपुरुष सर्वब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष या अक्षर ब्रह्म कहो,
ये दो भगवान इसमें क्लियर हो गए। और तीसरा बताया है सत्रहवें में कहा है कि उत्तम पुरुष है वो पुरुषोत्तम परम अक्षर ब्रह्म, तो अन्य ही है परमात्मा इति उद्धारते है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। ये लोक त्रयम आविश्य विभर्ति अवे ईश्वर है, उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम तो कोई और ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। हो गया कंसेप्ट क्लियर? तीन परमात्मा न्यारे न्यारे, एक ये क्षर पुरुष गीता ज्ञान दे रहा है, अक्षर पुरुष ये सत्संग ब्रह्मांड का स्वामी है, और ये परम अक्षर ब्रह्म ये अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक है, और यही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। देखिए परमेश्वर ने अपनी महिमा आप बताई आके, ये फिर देखिएगा अब इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार, ये है सच्चिदानंद की वाणी। वो तत्व ज्ञान परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये अक्षर पुरुष है, ये अक्षर पुरुष और निरंजन वा की डार, ये सर पुरुष ब्रह्म कहो, सर पुरुष कहो, सर ब्रह्म कहो, ये काल ब्रह्म कहो, सर ब्रह्म अक्षर पुरुष काल ब्रह्म ये डार है, और इससे आगे तीन शाखा इसके पुत्र हैं, तीनों देव शाखा हैं ये पातरूप संसार। अब ये है वो संसार रूपी वृक्ष। बोलो सतगुरुदेव की जय। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी कबीर साहब जी ये स्वयं ही एक तत्वदर्शी संत अर्थात सतगुरु, सतगुरु कहो तत्वदर्शी संत कहो, ये स्वयं ही इस भूमिका को करने के लिए इस काल के लोक में आते हैं। सतगुरु वही होता है जो शास्त्रों के अनुकूल भक्ति विधि तथा ज्ञान सुनाता है बताता है, और जो शास्त्र विरुद्ध ज्ञान देते हैं शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजाएं करते और करवाते हैं वो भले ही सतगुरु की पदवी प्राप्त किए हुए हों, स्वयंभू वो सतगुरु बने हुए हो, वो सतगुरु नहीं है। उन नकली सतगुरुओं के उपदेशी तथा आन उपासक वो सभी प्राणी जो सतगुरु शरण में नहीं हैं उनके साथ क्या होता? परमात्मा कहते हैं कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वारे। ओए होए सतगुरु नहीं मिलते अन्य नकली गुरुओं से या अपनी मनमुखी साधनाओं से, तो कहाँ जाते? जाते नरक द्वार, नरक में डाल दिए जाते। पुण्यात्माओं इस काल लोक का विधान है कि जैसे कर्म प्राणी करेगा वैसे ही उसको फल मिलेगा, वैसा ही भोगना होगा। पुण्य करोगे तो स्वर्ग प्राप्ति होगी, और यहाँ पृथ्वी का भी जो आपको ये यहाँ का संसारिक भौतिक सुख मिलेगा, और पाप करोगे तो नरक जाओगे। नरक के अंदर बहुत भयंकर यातनाएं प्राणी को दी जाती हैं। अब तो हम इन नकली संतों की थ्योरी सुनकर सिद्धांत अनुभव को सुन सुनकर बहरे हो गए,
हमने ये सोच लिया कि वहाँ जैसे ये अज्ञानी संत ऋषि मह ऋषि नकली कहते ऊपर कुछ नहीं है, ना कोई स्वर्ग है ना कोई नरक है, यही है जो कुछ है। तो हमारे मन में आधा डर निकल गया कि ऊपर कुछ नहीं है, यही है जो कुछ है। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।